विफल रही है। फिलहाल मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी, यानी कि हड़ताल अब खत्म अभी नहीं हो रही। और जो वार्ता हुई मंत्री समूह की वो विफल रही है, मंत्रालय कर्मचारियों का हड़ताल। और हमारे साथ भरत राज जो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। भरत, निश्चित रूप से अब हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन इसका काफी गंभीर असर कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे कर्मचारी जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़े हुए कामकाजों में इन्वॉल्व थे, अभी हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, अभी मंत्रालय कर्मचारी थे वो सचिवालय पहुंचे थे, मंत्री समूह की बैठक यहाँ पर चल रही है, उनकी मांगों को लेकर यहाँ चर्चा होनी थी, उनसे चर्चा भी हुई है, लेकिन जो उनके ग्रेड पे की मांग है उन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद में मंत्रालय समूह के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने ऐलान कर दिया कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एक ही मांग है जो सबसे प्रमुख है, अगर 3600 ग्रेड पे नहीं की जाती है तो हम हड़ताल जारी रखेंगे, और 6 जो अक्टूबर को पीएम मोदी की जो रैली है, सभा है, उसके लिए हम कूच करेंगे, वहां पर हम पहुंचेंगे अजमेर। तो इन्होंने इसको लेकर यहाँ ऐलान कर दिया है, और हम किसी भी वार्ता अब मंत्रियों से हमारे को होती नजर नहीं आ रही। हमारे साथ मनोज सक्सेना खुद मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं, आज जब आपकी वार्ता हुई थी आप उम्मीद से भी आए थे, क्या कुछ क्यों नहीं बैठ पाई आपकी वार्ता में सहमति? देखिए, 15 दिन से जो हमारा महापड़ा छिपरापाद थाने के सामने पड़ा हुआ है, 15 दिन से हम सरकार की वार्ता का इंतजार कर रहे थे, सरकार ने 15 दिन बाद हमारी सुन ली, इसलिए धन्यवाद सरकार का, लेकिन जिस उम्मीद से हम आए थे हमें वो पूरी होती नजर नहीं आई। हमारा मुख्य मुद्दा था तो गेट पे 3600 का था, सचिवालय समान वेतन पत्रों का था, पदोन्नति के पद को था, लेकिन सरकार एक ही मुद्दे पर अटक गई, साहब गेट पे। मैंने कहा जब तक गेट पे कि हमारे आप भैया आप कोई रास्ता निकालेंगे गेट पे का, लेकिन गेट पे वो बात कर रहे थे लेकिन आनाकानी नहीं कर रहे थे, ये तो जब तक इसलिए हमारी वार्ता बीच में टूट गई, जब तक हमारे गेट पे में संशोधन नहीं करेगी सरकार, हमारा महापड़ाव जारी रहेगा। तो आपके साथ अन्य संगठन भी वहाँ से वार्ता कर रहे थे, क्या लग रहा है उनसे वार्ता संभव है? अब अलग अलग संगठनों की अलग अलग डिमांड्स हैं, हो सकता है उनके गेट पे की डिमांड हो वो सरकार पूरे नहीं करे, इसलिए हो सकता है वो वार्ता मुझे लगता है पूरी हो पाएगी। तो अब आगे क्या रणनीति आपने बनाई है इसके लिए? हमारा जो महापड़ा वो कंटिन्यू रहेगा, आज 15 दिन हो गए कंटिन्यू महापड़ा रहे, जब तक या तो सरकार आदेश जारी कर देगी या अधिसूचना लग जाएगी, हमारा महापड़ा कंटिन्यू जारी रहेगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी वहाँ पे 6 तारीख को अजमेर आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाने की, अजमेर हमारे 50,000 से 1,00,000 कर्मचारी अजमेर जाएंगे हम लोग, और अपनी जो व्हाइट टी शर्ट पहन करके और इस पर रेड की हमारी डिमांड लिख करके हम वहाँ बैठेंगे सभा स्थल पर जाकर के, जिससे कि सबको पता चले कि हमारी इतनी डिमांड है और हम लोग इतने सालों से पीड़ित हैं वहाँ पे। तो क्या आपकी मांग इतनी छुपी हुई थी कि आपको ग्रेड पे 3600 टी शर्टों पर लिखा गया पड़ा? बिल्कुल बेशक सर, आज के पता नहीं था कि हमारी मुख्य मांग क्या है, हम इसको जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारी मुख्य मांग है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी से नहीं पिछले 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हम, बार बार सरकार हमसे समझौता कर रही है कि ठीक है आपके देखते हैं बात करते हैं, फिर कुछ हम मूवमेंट करते हैं, फिर सरकार हमसे बैठ के बात करती है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है उसको निशान उड़ता नहीं है, जब तक हमारे मुख्य मांग का निशान नहीं होगा हम लोग महापड़ाव डाल के बैठे रहेंगे। देखिए, इनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती हम तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। एक सवाल और उनसे कीजिए भरत, एक सवाल और कीजिए, मंत्री समूह की तरफ से भी कुछ बातें रखी गई होंगी, भले मांगे नहीं मानी गई या उस पर विचार किए जाने की या आश्वासन देकर फिलहाल इस मामले को मंत्री समूह की तरफ से रोक दिए जाने की बात कही गई हो, लेकिन उनकी तरफ से जो इन लोगों के सामने बात रखी गई वो मुद्दे या वो मुख्य बिंदु क्या थे, ये भी जरा पूछ लीजिए। देखिए, अभी आपकी वार्ता हुई है, मंत्रियों की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया, उन्होंने किस तरह से पहल किया आपकी वार्ता समाप्त करे, आपकी हड़ताल समाप्त की जाए, उनकी तरफ से किस तरह से आपकी पहल थोड़ा की? मुझे मंत्री जो बैठे थे वहाँ पे मंत्री महोदय जो थे उन दोनों से मुझे उम्मीद लगी कि हाँ थोड़ा उनको थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन विधि विभाग के अधिकारियों की अड़ामेंट के कारण हमारा जो वार्ता मई की वजह से टूटी है। मंत्री महोदय फिर भी कह रहे थे यार कोई बीच का इसका रास्ता निकालो, कुछ देना हम कर्मचारियों को देना चाहते हैं, लेकिन विधि विभाग के अधिकारी थे इसी वजह से बात टूट गई वहाँ पे। अगर जब तक अगर वो हमसे दोबारा बैठ के बात करना चाहेंगे दोबारा बुलाएंगे हम हाजिर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जब जब सरकार हमें बुलाएगी बैठ के हम वार्ता करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उठेंगे जब जो हमारे मांग पत्र के जो हमारे मुख्य बिंदु उनके आदेश जारी नहीं हो जाते। तो वित्त विभाग के अधिकारी पहले मना कर चुके हैं, फिर आज मंत्री समूह के साथ वार्ता करने का क्या उचित हुआ, फिर आप ये तो पहले ही मना कर चुके हैं भाई? ये तो हम उनको कह चुके थे भाई हमारी जो मुख्य मांग है, हम पिछले 4 साल से सरकार से कंटिन्यू संपर्क में है, 4 साल से हम सरकार से बात कर रहे हैं, आज हमने नया मुद्दा छेड़ दिया कि हमारी जो सोलंकी कमेटी बनी हुई थी
जो हमारे वित्त विभाग की जो पहले हमारी बनी थी, जब हम इससे पहले हमारी 20 दिन की हड़ताल हुई थी, बोलो उसकी रिपोर्ट आ गई। अरे जब हम 20 तारीख को महापड़ाव पे हम जा रहे हैं, 18 तारीख हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सोलंकी जी की रिपोर्ट आ जाए, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही, और आज अचानक हमसे कहा जा रहा है कि सोलंकी जी की रिपोर्ट आ गई है, वो हमारे पास प्रस्तुत हो गई है। तो कुछ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं सरकार को कि सरकार और जो सरकार और जो कर्मचारियों के बीच की जो है उसको संवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनका साफ कहना है कि मंत्री पॉजिटिव हैं, लेकिन जब वो अधिकारियों से राय लेते हैं इस मामले में, जो फाइनेंस के अधिकारी हैं, जानकार हैं, वो इसके लिए नकार देते हैं कि हमारे पास इसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम इसको देने भारत इसमें 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 कुल कितने कर्मचारी हैं, और चूंकि जो लगातार महापड़ाव कर रहे हैं, जो कर्मचारियों के नेता हैं उनसे आप खुद बातचीत कर रहे हैं, तो एक बार पूछिए कि कितने कर्मचारी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अलग अलग और भी बहुत से कर्मचारी हैं, हो सकता है कि उनकी कुछ और मांगे हों, लेकिन हम लोग की 3600 ग्रेड पे करने की मांग है मुख्य रूप से, अगर ये नहीं मानी जाती तो महापड़ाव जारी रहेगा। ऐसे में कब तक जारी रहेगा, क्या ये कोई भी बीच का रास्ता, या कहीं से जो कर्मचारी संघ के लोग हैं वो किसी एक सूरत पर माने, क्या कोई ऐसा बिंदु भी लेकर चल रहे हैं दिमाग में, या इसी पे रिजिड रहेंगे? देखिए, इनके लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इनको ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हम उनसे भी जानेंगे कि टोटल ये कितना कर्मचारी है जिनको ये फायदा मिलना है, और अगर ये इनके अलावा कोई और भी रास्ता आपने सोच रखा है जिनसे आप बीच का रास्ता निकलने की कोई बात हो, आम लोगों को भी सहूलियत इस दौरान मिले, कुछ ऐसा कोई प्लान भी है आपके पास? नहीं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप बीच में मध्यस्थता करके हमारी बात करा के हमारा नाम को स्थान करा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी मुख्य मांग, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम लोग ये देखिए 30 साल से एक छोटे से कर्मचारी को आप उसको ग्रेड पे भी आप रिवाइज आप सातवें वेतन आप दे रहे हो, उसके अंदर लेवल जो 2400 उसके 3 लेवल कर दिए, 2800 के 2 लेवल कर दिए, यानी वो जिंदगी भर 2400 के लेवल में घूमता रहेगा आगे जब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा। आप जो पीड़ित था उसको और पीड़ित कर दिया आपने, जो दिया था उसको आपने छीन लिया, तो काम जाएंगे जाएंगे। लास्ट हमारे पास ऑप्शन था कि हम मापड़ाव डाल के बैठ गए, भाई कोई तो सुने हमारी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। चले 15 दिन बाद सरकार सुनती है तो 15 दिन बाद विधि विभाग से हड़ताल लगाया। लेकिन एक बात तो निश्चित हो गई है भरत, एक बात तो अब यहाँ पर निश्चित हो गई है, साफ हो गई है कि ये हड़ताली कर्मचारी जो है मंत्रालय कर्मचारी संघ से जुड़े हुए, ये फिलहाल अपना महापड़ाव खत्म नहीं करने जा रहे हैं। इनका महापड़ाव जैसा चल रहा था वो चलेगा, और साफ तौर पर जो ऐलान भी कर दिया गया कि पीएम का जो दौरा होगा 6 अक्टूबर को, उसमें सफेद टी शर्ट पर 36 ग्रेड पे को लिखकर वो वहां पर बैठेंगे, धरना भी देंगे।